स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन। तो आज हम इसको आपको इसके थोड़े से बेसिक पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले दैट व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन एंड हाउ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका है इसको रीड करने के बाद एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर है प्लांट में, इसको रीड करने के बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये देखिए, कोई भी चैप्टर जब हम रीड करते हैं व्हाट इज द आउटकम, इसका आउटकम क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले मिलेगा बेटा आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे प्लांट्स में जो हमारे लिए क्या है एसेंशियल है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, अगर वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट में कम हो जाएंगे तो उसका प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा, दूसरी बात। ठीक है, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट में जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट में। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो प्लांट है उसमें डीएनए कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट क्या है, मेन मेन जो न्यूट्रिएंट है, मेन मेन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है प्लांट में क्या क्या है, डीएनए और प्रोटीन। ये अब डीएनए प्रोटीन किसका बना हुआ है, कार्बन का। तो कार्बन आपके लिए क्या हुआ, मेजर सोर्स ऑफ एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद आपको एक तो न्यूट्रिएंट के बारे सारा पता लग जाएगा कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनकी प्लांट में क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर न्यूट्रिएंट ये वाले न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो प्लांट में क्या क्या डिजीज आएगी। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके पास सॉइल से कैसे अब्सॉर्ब किए जाते हैं, हाउ द न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे न्यूट्रिएंट है बेटा ये हवा से भी आते हैं, ये सॉइल से भी आते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि सॉइल से लेते हैं या फिर एयर से। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आपके पास सॉइल से आ रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट आपके पास एयर से आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद मेनली इस चैप्टर में आपने फोकस करना है डिजीजेस के ऊपर में। ठीक है, हमारा इसमें फोकस क्या रहेगा मेनली, हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको मेन बताएंगे कि अगर न्यूट्रिएंट अगर आपके प्लांट में नहीं है तो कौन कौन से डिजीजेस आपके पास प्लांट में होने के चांसेस हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, वो सब इस चैप्टर में हम आपको डिस्कस करवाएंगे। क्लियर बेटा, सो वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट। तो इंट्रोडक्शन का मतलब कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है आपके पास प्लांट्स की। जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स हैं उनके जो मेजर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, सो दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मैं कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका होता है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर प्लांट को ग्लूकोज बनाना है तो उसको क्या चाहिए, एलिमेंट में क्या चाहिए, कार्बन एलिमेंट भी चाहिए, उसको हाइड्रोजन भी चाहिए, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। कहां से लेगा वो, सॉइल से भी ले सकता है और एयर से भी ले सकता है। सेकंड पार्ट, आपके पास क्या होता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स बेटा, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब आपको बताऊं मैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर अमीनो एसिड्स। देखिए, अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अमाइनो ग्रुप होते हैं, क्या होता है, एसिड ग्रुप। जो भी एक मॉलिक्यूल जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं, अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप, कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4। तो इस एंड पे आप क्या लगाएंगे, H2N। क्या लगाएंगे, H2N। ठीक है, इस एंड पे क्या लगाएंगे, एसिड। क्या लगाएंगे यहां पे, एसिड। ठीक है, और यहां पे क्या लगेगा आपका, H। यहां पे क्या लगेगा, H। और जो फोर्थ एंड है वहां पे क्या लगता है, R। फोर्थ एंड पे क्या लगता है, R। अब आपको बताता हूं ये R का मतलब क्या होता है। देखिए, R का मतलब होता है कोई भी साइड चेन लग सकती है। R का मतलब क्या होता है, एनी साइड चेन, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे हाइड्रोजन भी लग सकता है, यहां पे कार्बन भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। R का मतलब क्या होता है, एनी साइड चेन। क्या मतलब होता है, देखिए बेटा हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, कितने अमीनो एसिड है, 20 में ये वाला स्ट्रक्चर सब में क्या रहता है, सेम रहता है। इतना वाला पार्ट सब में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पे आएगा बेटा, आर पे। डिफरेंस कहां पे आएगा, जैसे मान लो कई जगह पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो कुछ
कुछ अमीनो एसिड में आर की जगह क्या लग जाएंगे, एच लग, उनके नेम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ में ऐसा हो जाएगा, समझ लग रही है ना, आर में चेंज होते जाएंगे। तो आर जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे हमारे अमीनो एसिड के नाम भी क्या होते चले जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। हमारे अमीनो एसिड के जो नाम है उनकी जो क्लासेस है वो क्या होती जाएंगी बेटा, चेंज होती चली जाएंगी। समझ लगी मेरी बात। अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, अमीनो और एसिड। तो बेटा सभी हमारे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड किसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, अमीनो एसिड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। किसके लिए चाहिए होते हैं हमें, प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि सभी ये अमीनो एसिड, देखिए अगर मैं अमीनो एसिड को AA से आपको डिनोट करता हूं, AA से, तो अमीनो एसिड ये देखिए आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, क्या होते हैं आपस में कंबाइन। ये जो बॉन्ड आप देखते हैं इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको। तो बेटा सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कंबाइन होके ये एक क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन। तो अब इस प्रोटीन में कितने पेप्टाइड्स हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन में कितने पेप्टाइड हैं बेटा, बहुत सारे पेप्टाइड हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं पॉली पेप्टाइड, क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, अब आप देखिए ये बायोमोलिक्यूल्स, हम चलो नेक्स्ट चैप्टर में जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बायोमोलिक्यूल्स मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ अगर आपने अमीनो एसिड बनाना है तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए उसमें, बताइए। कार्बन यूज होगा, यस और नो, ऑक्सीजन यूज होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो दीज आर द मिनरल न्यूट्रिएंट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड। तो जब अमीनो एसिड बनेंगे तब क्या बनेगा आपके पास, तब क्या बनेगा आपके पास, प्रोटीन। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स बेटा, प्रोटीन आपके सेल्स में मैक्सिमम एंजाइम का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या होती है, एंजाइम होती है बेटा जो भी आपके रिएक्शन को फास्ट करती है, क्या करती है, रिएक्शन को फास्ट करती है। तो अब आपको पता लगा मैक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है, ये भी क्या है, इसको कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, एक देखिए ये प्लांट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये लीफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, एयर। कार्बन डाइऑक्साइड किसका सोर्स है यहां पे हमारे लिए, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड किसका सोर्स है, कार्बन का, किसका सोर्स है हमारे लिए, कार्बन का। और ये जो प्लांट है वो रूट से क्या ले रहा है बेटा, रूट से क्या ले रहा है, वाटर। तो दोनों लीफ में मिल जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, क्या बनाएंगे। अगर हम इसको सेकंड एंगल से देखें, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगर सेकंड एंगल से देखें तो कार्बन का एलिमेंट कहां से मिल रहा है आपको, एयर से। हाइड्रोजन कहां से मिल रही है, सॉइल से। तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन रहा है, समझ गए ना ऐसे। तो ऐसा है कि जो भी एलिमेंट, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है बेटा, उसके जो एलिमेंट है, या तो आपको सॉइल से मिलेंगे या कहां से मिलेंगे आपको, एयर से मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द मिनरल एलिमेंट्स, क्या होते हैं ये, मिनरल एलिमेंट, जो कि आपके प्लांट में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ लगी बात। अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं बेटा, फैट्स। और फैट्स क्या होते हैं, व्हाट आर फैट्स, ठीक है। फैट्स को आपको मैं बना के दिखाता हूँ, फैट्स कैसे बनते हैं, देखिए। अब ये अगर आप बोलेंगे सर फैट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है हमारे पास, फैट की रिक्वायरमेंट देखिए, अब आप देखिए बेटा, आपने पहले तीन कार्बन बनाने, यू नीड टू मेक अ थ्री कार्बन, बना लिए, ठीक है। कुछ चीज याद नहीं करनी है आपने, तीन कार्बन बनाने आपने। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर, ठीक है। कॉपी वगैरह किसने यूज नहीं करनी है, ब्लैक बोर्ड में सिर्फ देखना है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, चार। हर एक कार्बन के पास आप OH लगा दीजिए बेटा, लगा दिया सभी कार्बन के साथ OH, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद वैलेंसी मेंटेन करनी है इसकी, ठीक
ठीक है, 1 2 3 4 क्लियर, सेंटर में 1 2 3 4 इसकी 1 2 3 एंड 4 ये स्ट्रक्चर जो बन जाएगा बेटा इसको बोलते हैं ग्लिसरोल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरोल। बनाना आ गया, कैसे बनाएंगे ग्लिसरोल फिर से देखिए, आपने कितने कार्बन बनाए बेटा? हर कार्बन में क्या लगा देना है? OH बन जाएगा। फिर कार्बन की डेंसिटी क्या करनी है आपने? मेंटेन। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 इसकी 1 2 3 4 इसकी 1 2 3 4 तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द ग्लिसरोल। किसका स्ट्रक्चर बन गया है आपके पास? बनाना सबको आ गया। अच्छा अब बेटा ग्लिसरोल के सामने आप क्या करेंगे बेटा? सभी ग्लिसरोल के सामने आप लगाएंगे बेटा एसिड। क्या लगाएंगे बेटा? एसिड। एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? COH से, पता है आपको कि नहीं? हाउ विल यू रिप्रेजेंट एसिड? 10th क्लास में किया आप लोगों ने। एसिड को हम कैसे बोलते हैं बेटा? COOH, याद है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एसिड को? COOH। अगर आप बोलेंगे इसका केमिस्ट्री में कैसे करते हैं, तो केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है COOH। क्लियर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एसिड लगा दिया। आर्बन का मतलब है कोई भी साइड चेन है, चाहे कार्बन यहाँ पे 2 हो सकते हैं, कार्बन यहाँ पे 3 हो सकते हैं। बेटा केमिस्ट्री में कहीं पे भी आर जब हम लगाते हैं बेटा, तो उसका आर का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, चाहे कार्बन 1 है, चाहे कार्बन 2 या कार्बन 3, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। तो आर का मतलब क्या होता है? साइड चेन। क्या मतलब होता है आर का? साइड चेन। तो आर से कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, आर का मतलब कुछ भी कार्बन यहाँ पे लग सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपने 3 एसिड लगा देने बेटा। ठीक है जी, हो गया यहां तक। अब बेटा जी देखिए, यहां से आपका, अब आपको पता है एसिड क्या होता है? व्हाट इज एसिड? जो एच आयन देता है। क्या देता है एसिड? तो ये एच आयन देगा, यहां से क्या निकलेगा? OH। ये एच आयन देगा, यहां से क्या निकलेगा? OH। एच आयन देगा, यहां से क्या निकलेगा? OH। तो यहां से बेटा देखिए हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं? 3। ठीक है ना, HOH का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, ये भी क्या है? वाटर। ये भी क्या है? वाटर। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं बेटा? 3। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, बाकी पार्ट को आपस में कंबाइन करवा दीजिए। ठीक है, वाटर निकाल के बाकी पार्ट को एज इट इज क्या करवा देंगे आप? कंबाइन करवाइए। ध्यान से देखिए, CHOOCR1 यहां पे CHOOCR2 CHOOCR3। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा लिपिड्स। क्या बोलते हैं इसको? ये फैट है, इसको क्या बोलेंगे आप? फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। लिपिड बोलते हैं इसको, लिपिड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? फैट। तो बेटा मेरे सामने बताओ, फैट में क्या क्या है आपके पास? कौन कौन से एलिमेंट है बताइए? कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आर का मतलब कार्बन ही है, ये आर का मतलब यहाँ पे क्या? कार्बन है। तो ये लिपिड में कौन कौन से एलिमेंट है आपको चाहिए लिपिड की बनाने के लिए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और समझ के बात। तो चाहे आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना हो, चाहे आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना हो, चाहे लिपिड बनाना हो, या फिर आपको क्या बनाना हो बेटा? प्रोटीन बनाना हो, ये सब के एलिमेंट आपके सामने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है, देखो लिपिड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है, आपका अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर भी यूज होता है, यहाँ पे क्या होता है? यूज सल्फर भी होता है। बेटा ये सब मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा आपका? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? और देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? मेनली लिपिड। और देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर, ये क्या बनाता है आपका? प्रोटीन्स। क्या बनाता है ये? तो पता लग गया आपको मेन पॉइंट। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट, ये कहां से आते हैं? इट कैन बी टेकन फ्रॉम द एयर और फ्रॉम द सॉइल।
So this concept is known as mineral nutrition. क्या बोलते हैं इसको? Mineral nutrition. तो mineral nutrition का मतलब क्या है? आपका जो plant है, ये मान लीजिए plant है, ये plant soil से air से क्या ले रहा है? Nutrient, ये element लेता है. Plant soil air से क्या लेता है? ये वाले सारे element. फिर आगे चल के ये एलिमेंट को कंबाइन करके वो कार्बोहाइड्रेट भी बना सकता है, वो लिपिड भी बना सकता है, और वो प्रोटीन भी बना सकता है, और वो डीएनए भी बना सकता है. और क्या बना सकता है? वो डीएनए. तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं बेटा? रिक्वायर्ड. प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं सारे? ये रिक्वायर्ड. ये बात समझ लगी आपको कि मिनरल एलिमेंट की क्या क्या आपकी एडवांटेज है, कैसे अब्जॉर्ब किए जाते हैं, एंड हाउ दे अप टेकन बाय द प्लांट. ये पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट? ओके. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स पता लग गया. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? जिसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है. जो लार्ज साइज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, ये सब क्या है सेल में? दिस ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, मिनरल्स फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. डेफिनेशन क्या है इसकी? मिनरल इज अ केमिकल एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो सेम एटम का बना होता है. पता है व्हाट इज एलिमेंट? कंपाउंड एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है? पता है आपको कि नहीं? What is difference between element and compound? देखिए बेटा, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे A है एटम, ये एटम क्या है? B एटम. ये एटम A, ये एटम क्या है? B एटम. ठीक है बेटा, अगर मैं A A को आपस में कंबाइन कर दूंगा और B B को आपस में कंबाइन कर दूंगा, तो ये जो A A है बेटा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. और ये जो B B है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. जब सेम एटम आपस में कंबाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट का मतलब है सेम एटम. क्या मतलब? सेम एटम है. अगर मान लो, अगर यहां पे मैंने ए ले लिया, यहां से मैंने बी ले लिया बेटा, तो यहां पे दो डिफरेंट डिफरेंट एटम कंबाइन है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं? कंपाउंड. तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग के साथ, तो क्या बोलना है आपने? कंपाउंड बोलना है. जब दो सेम एटम कंबाइन करें तो क्या बोलना आपने? एलिमेंट. तो बेटा यहां पे देखो, मिनरल क्या है? एलिमेंट है. इसका मतलब सेम एटम है. क्या मतलब है? सेम. जैसे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और सल्फर. ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, और ये भी एलिमेंट. तो मिनरल क्या है? एलिमेंट है. ठीक है, विच नेचुरली अकर एज अ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. जो नेचर में कहां पाया जाता है? नेचर में कहां पाया जाएगा आपके पास? सॉइल में भी पाया जा सकता है. नेचर में कहां मिलता है न्यूट्रिएंट आपको? सॉइल में मिलता है. और कहां मिलेगा? एयर में भी मिलता है. ठीक है, इन द फूड सॉइल एंड आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल बॉडी. मैंने आपको भी बताया था, अभी आपको मैंने बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मेनली किसके लिए चाहिए हमें? प्रोटीन के लिए चाहिए. किसके लिए चाहिए? प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स. क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या करते हैं? आपके बॉडी में, प्लांट बॉडी में रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. जिसकी वजह से आपके प्लांट की क्या होती है बेटा? ग्रोथ होती है. प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी. ठीक है, समझ के बाद. तो अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये सारे आपके पास जो एलिमेंट हैं. अगर आपको अभी बात पॉइंट समझ नहीं लगा, मैं फिर से आप एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल करता हूँ सारा कुछ, कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपके प्लांट में कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे, प्रोटीन को बनाएंगे और डीएनए को बनाएंगे. अब मुझे बताओ, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी के लिए चाहिए. किसके लिए चाहिए? एनर्जी के लिए. ठीक है, एनर्जी से क्या होगा प्लांट की? क्या होगी? ग्रोथ होगी. प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए प्लांट में? चाहिए. किसके लिए चाहिए? मैक्सिमम प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स. और एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं. जैसे हम खाना खाते हैं ना,
हम जब खाना खाते हैं हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज की होता है बेटा, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। अगर मानो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज नहीं है तो फिर क्या होगा? फूड की डाइजेशन नहीं होगी, हमें एनर्जी जनरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके प्लांट में जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं, देखिए मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या हमारी प्लांट की बॉडी है, ये जो बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, आपको दिखती है ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके पीछे बहुत सारी रिएक्शन है। इसके पीछे क्या, बहुत सारी रिएक्शन। जैसे मैं बोलूँ आपको, हमारे ह्यूमन में हम बोलते हैं जब हमने खाना खाया हमें एनर्जी मिल गई, ठीक है। बच्चों को क्या समझाते हैं, हम फूड खाते हैं हमें फूड से एनर्जी मिल जाती है। तो अब आपने प्लस वन में चैप्टर पढ़ा हुआ है डाइजेशन चैप्टर, अब आपको पता लगा पहले मुंह, पहले हम खाना खाते हैं माउथ में जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, फिर हमारा ये फूड कहाँ पे आता है? स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन हमारे ब्रेकडाउन होने शुरू होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो बच्चों को आपने एक लाइन में बताया था, यहाँ पे कितना डिटेल में हो गया, देखो इसका मतलब जो डाइजेशन है उसमें हमारे पीछे बहुत सारी क्या है, रिएक्शन छुपी हुई है। कुछ माउथ में रिएक्शन हो रही है, कुछ स्टमक में हो रही है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिएक्शन हो रही है, और सभी रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? मानो एंजाइम है ही नहीं फिर क्या होगा? तो बॉडी की ग्रोथ होगी? नहीं होगी ग्रोथ बॉडी की। कई बार क्या होता है, देखो कई जैसे बच्चे होते हैं तो उनको ना प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, कई बार डॉक्टर उसको जाते, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर लिख क्या देगा उसको? एंजाइम दो उसको, देखा होता है वहाँ पे एंजाइम्स, देखना लिक्विड जो सिर्फ देते हैं ना डॉक्टर कई बार, तो उसमें एंजाइम्स होती हैं। तो एंजाइम क्या होती हैं, वो बॉडी में फिर क्या करवाएंगे? आपकी डाइजेशन करवाएंगे। तो बेटा एंजाइम ऐसे ही प्लांट में होती हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसके पीछे बहुत सारी क्या होती है, एंजाइम्स होती है। अगर एंजाइम नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये एंजाइम कहाँ से बनती है? प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से बनता है? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सल्फर। समझ लगी बात? अगर हम बोलें मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ये पॉइंट सही है? सब आप इससे करते हैं सहमत, सभी की पॉइंट सहमत है कि नहीं है? किसी को डाउट कोई इसमें? ठीक है। और जो डीएनए है वो डीएनए किसका बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फॉस्फरस का। अब आपको पता है पूरे सेल की जो फंक्शन है, सेल चैप्टर आपने रीड किया हुआ है, तो पूरे सेल की जो फंक्शन है वो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं? डीएनए। तो हम ये बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे फिर आगे चल के हमारे पूरे प्लांट की ग्रोथ क्या होगी उस पर डिपेंड होती है। मैं एक लाइन में आपको एक थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन को देखिए। न्यूट्रिएंट्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस, ठीक है जी। कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं आपके, जो मैं मेजर न्यूट्रिएंट लिख रहा हूँ, मेजर न्यूट्रिएंट यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले बेटा आपको पता ही है क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, ठीक है। फिर ये सारे के सारे जो भी हैं मेजर कॉम्प्लेक्स, ये प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं कि नहीं करते? यस। सो दिस स्लाइड यू कम टू नो दैट मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे आर एलिमेंट्स व्हिच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। बस ये आपको समझाना था पहले मुझे, क्लियर।